नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे एलजेपी के हुए दो टुकड़े के बारे में। रामविलास पासवान के निधन के एक साल के बाद पार्टी दो फाड़ में बट गई। चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी के दो धड़ों को अलग अलग पार्टी के तौर पर मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही साथ अब यह पुराना नाम और चुनाव चिन्ह भी खत्म कर दिया गया है। अब चिराग पासवान की लीडरशिप वाले धड़े का नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास होगा। इस दल को हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। इसके अलावा उनके चाचा और रामविलास पासवान के सगे भाई पशुपति कुमार पारस की पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी होगा। इस दल को सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह दिया गया है। यह सब कुछ तब शुरू हुआ जब लोजपा में तख्ता पलट हो गया। इसके बाद चाचा भतीजे में रार साफ साफ दिखाई देने लगा था। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि लोजपा में जारी चाचा भतीजे की लड़ाई अब खत्म होती दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग की ओर से जारी लेटर में बताया गया है कि चिराग पासवान की पार्टी का नाम अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास होगा। इसके अलावा उनकी पार्टी को चुनाव चिन्ह के तौर पर हेलीकॉप्टर दिया गया है। वहीं उनके चाचा की पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रख दिया गया है। उन्हें सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। इसके साथ साथ दोनों गुटों के बीच पार्टी को लेकर दावे की लड़ाई अब खत्म होती दिखाई दे रही है। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी का नाम रामविलास जुड़ गया है, जिससे उन्हें चुनावी समर में पिता की विरासत के आधार पर वोट मांगने की मदद मिलेगी। बता दें कि रामविलास पासवान के निधन के बाद ही उनके बेटे चिराग और भाई पशुपति कुमार पारस के बीच में मतभेद उभर कर सामने आया था। यही नहीं, लोजपा ने 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था और एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। इसके बाद पार्टी में मतभेद गहरे होते गए। पशुपति कुमार पारस के गुट ने चिराग को राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर संसदीय दल के नेता के पद से भी हटा दिया। तब से ही दोनों गुट पार्टी पर अपना अपना दावा कर रहे थे। यह लड़ाई चुनाव आयोग तक भी पहुंची थी, जिसमें यह फैसला दिया है। उम्मीद की जा रही है कि पार्टी पर दावेदारी को लेकर दोनों दलों के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद अब खत्म हो सकता है। आपको बता दें कि इस लड़ाई के बीच में जो अहम चीज़ें निकलकर सामने आई वह यह थी कि दोनों ही पार्टी या तो कह लें कि चाचा या फिर भतीजा, दोनों ने बयानबाजियों के मामले में किसी को भी कसर नहीं छोड़ी। कई ऐसे ऑडियो वायरल हुए जिसमें कि चिराग पासवान को उनके ही कार्यकर्ता ने कहा कि आप सिंबल देखिए, हम यहाँ प्रदेश देख रहे हैं। ऐसे में यह साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि चिराग पासवान को सिंबल बचाने की बात कही गई थी, लेकिन यह मामला कोर्ट पहुंचा, कोर्ट में यह खारिज हुआ, उसके बाद चुनाव आयोग के पास पहुंचा। चुनाव आयोग ने जो स्थिति आज साफ की, उसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि चिराग पासवान की पार्टी को जो है हेलीकॉप्टर मिला है, तो वहीं पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है उसे जो है सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह के रूप में मिला है। तो ऐसे में बिहार में दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव मैदान में है, और जाहिर सी बात है वो अपने हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। पशुपति कुमार पारस की पार्टी ने एनडीए को समर्थन दिया है, जो कि 2020 के विधानसभा चुनाव में इनकी इच्छा थी। यानी कि पशुपति कुमार पारस की इच्छा थी कि वो जो है एनडीए का समर्थन करें, लेकिन चिराग पासवान उस समय इस मूड में नहीं थे। अब जो स्थिति है उसमें दो अलग अलग दोनों की इच्छाएं पूरी होती दिखाई दे रही है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।